हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी बैंगन का भरता। तो बहुत टेस्टी बनता है, एक बार आप बना के ट्राई जरूर करना। तो करते हैं इसकी तैयारी। चलो, ये लिए हैं मैंने दो बैंगन, बड़े वाले बैंगन लिए हैं और गैस पे रख दिया है। गैस की फ्लेम को फुल कर दिया है और ये सिकने के लिए रख दिया है। ये आसानी से सिक जाता है, थोड़ी देर में देखेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी सिकता है। इसके ऊपर वाला ये छिलका जल के एकदम खत्म हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तब तक हमें सेकना है, जलाना नहीं है, नहीं तो फिर टेस्ट खराब हो जाता है, सब्जी का जला हुआ आएगा। अच्छे से इसको पलट पलट के सेक लेंगे। मैंने दोनों बैंगन को ऐसे ही सेम प्रोसेस दोहरा के इसको भी मैंने सेक लिया है। फिर ये लिए मैंने दो प्याज, एक हरी मिर्ची और एक टमाटर। इनको मैंने बारीक कट कर दिया है। बैंगन ठंडे होने के लिए रख दिए, इनके सारे छिलके उतार दिए, ब्लैक ब्लैक जो जले हुए थे। ये टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची कट कर ली है। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है और उसमें ये टमाटर, हरी मिर्ची और प्याज को भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद थोड़ी देर लगेगी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे भूनना है। फिर इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल दूंगी और आधा चम्मच मैं हल्दी पाउडर डाल दूंगी। और अच्छे से मसालों को मिक्स करके इसमें पका लूंगी। जब तक तेल सेपरेट हो जाएगा तब तक पकाऊंगी। तो अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें मैश किया हुआ बैंगन डाल दूंगी। बैंगन अपना ऑलरेडी पका हुआ है, लेकिन थोड़ी देर इसमें मसाले ऐड हो तब तक इसमें हम मिक्स करेंगे और पकाएंगे, ताकि ये पूरे मसाले इसमें समा जाए और अच्छा सा टेस्ट आने लगे। तो अच्छे से इसको मिक्स करके मसालों में पकाएंगे। बैंगन का भरता बन के तैयार है।